सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्रिक आपको किसी भी ड्रामा हो, नॉवल हो या पोएट्री हो, आप किस तरीके से याद करेंगे और कैसे आपको याद रहेगा। ये 100% मेरा गारंटी है कि आपको 100% आपको याद करवा देंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से याद करेंगे तो आपको अब जो टेक्निक बताएंगे उस टेक्निक से याद करेंगे तो फ्रेंड्स आपको 100% कहने का मतलब है, अगर इस प्रश्न को अगर इस तरीके से अगर हम याद कर लेते तो प्रश्न जो है 100% आपको सॉल्व होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम डीएच लॉरेंस का नॉवल जो है फिक्शन में बताएंगे। देखिए 25 किताबें हैं, 25 किताबों को आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 100% याद हो जाएगा। आप समझिएगा, उसमें भी पूछा जाता है, प्रश्न आता है, चाहे नेट जीआरएफ को कर, नेट का तैयारी कर रहे हो, पीजीटी या टीजीटी या यूपी पीजीटी हो, कोई भी हो, उसको सारा आपको यहाँ पे ट्रिक मिलेगा, सारे किताब का, सारे बुक का कैसे याद करना, उसका स्टोरी भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, डीएच लॉरेंस का बात करते हैं आज फिक्शन की, कैसे याद करना है। झारखंड अगर पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मैं आग्रह करूंगा कि इन सारे किताबें जो है आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये डीएच लॉरेंस से आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रश्न यानी 1 से 2 प्रश्न आएंगे और वो 2 प्रश्न होंगे तो 2 दुनिया 4 नंबर का होगा। उसके अलावा अतिरिक्त जो है आपको अगर ये किताबें अगर याद है, इस भी अगर याद है तो इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, जिसको हम लोग जैसे रोमांटिक पीरियड हो या विक्टोरियन पीरियड हो, उन सारे के जो राइटर लिखे हैं वो उसमें दे दिया जाएगा। 3-4 किताबें उसमें से 1 किताब ये भी रहेगा। तो आपको इसे अगर हम इस तरीके से 3 राइटर का 3 किताबें जान रहे हैं तो 4th किताबें नहीं जान रहे हैं तो आपको 100% वो वही होगा। ये तीनों को जान रहे कि उस इस राइटर का वही राइटर, अगर हम बोलते रेम्बो, द रेम्बो जो है डीएच लॉरेंस का, और तीसरा जो है आपको दूसरा पहचाना तो किसका होगा, जो है वही उसी का होगा। तो यही है, देखिए व्हाइट पीकॉक है, ट्रेस पासर, देखिए इस भी जो है ना 11 से शुरू होता, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, उसके बाद 5 जंप करना, 1920, उसके बाद 1, 2, फिर वही 1921, 1922, 1923, 1923, 1924, 1925, 1926, 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 यहाँ 2 जंप कर देना 1928, फिर 29, फिर 30, 31, फिर 32, फिर 34, फिर 49। तो इन सारे इस भी को आराम से याद हो जाएगा, आप सीक्वेंस में याद करवा दूंगा। तो देखिए व्हाइट पीकॉक स्टार्ट करते हैं, जो व्हाइट पीकॉक है, ट्रेस पासर है, सन्स एंड लवर्स है, प्रिजन ऑफिसर है, द रेनबो है, द लॉस्ट गर्ल है, द वुमन इन लव है, एरन्स रॉड है, लेडी बर्ड है, कंगारू है, इंग्लैंड माय इंग्लैंड है, द बॉय इन द बुश है, द सेंट, देखिए सेंट मार है, ठीक है, मार सेंट मार है, प्रिंसेस है, ट्रेंस मार एंड प्रिंसेस, द या प्रिंसेस हो जाएगा, द प्लम्प सर्पेंट है, देखेंगे सन है, ग्लेट घोस्टस है, घोस्ट इसको घोस्टस, ठीक है, फिर राउडंस है, फिर देखिए राउडंस, ठीक है, ओमेन हु रोड अवे एंड अदर स्टोरीज है, लेडी चटरलीज लवर है, वर्जिन है, वर्जिन एंड द जिप्स है, जिप्सी एंड लव एमंग द हैशटैग्स है, फिर है हैशटैग्स बोलते हैं हैशटैग्स, ओमेन हु डाइड, सॉरी मैन हु डाइड है, एंड द लवली लेडी है, मॉडर्न लवर है, द प्रीलूड है। तो इन सारे किताबों को 2 मिनट में आप याद करेंगे। तो देखिए कैसे याद रखना है, व्हाइट पीकॉक समझिएगा, यहाँ से याद करेंगे 4 नंबर से, ठीक है, 4 से पीछे की ओर जाएंगे 3 और आगे की ओर जाएंगे 3, तो 7 याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद करना है, देखिए व्हाइट पीकॉक का हम प्रश्निफिकेशन करेंगे, प्रश्निफिकेशन जिसको मानवीकरण कहते हैं। देखिए व्हाइट पीकॉक है, पीकॉक मतलब सफेद बोलते हैं, मोर या है ना, तो इस तरीके से व्हाइट पीकॉक क्या है वो आ रहा है, व्हाइट पिकअप जो है आ रहा है, वो ट्रेस पासर होके गुजर रहा है,
आ रहा है किससे होके, ट्रेसपासर होके, ट्रेसपासर होके गुजर रहा है, और उसके साथ में सन्स है और लवर्स है। सन्स और लवर्स मतलब सन और लवर है, ठीक है, सन और प्रेमी है, प्रेमिका जो, ठीक है, प्रेमी, तो सन और लवर है आ रहे हैं तीनों। तो प्रुशियन सोल्जर जो है या प्रुशियन ऑफिसर जो है पीछे मोड़ के देखता है, तो क्या देखता है, व्हाइट पीकॉक और ट्रेसपासर, व्हाइट पीकॉक ट्रेसपासर से गुजरती हुई आ रहे और उसके साथ में सन्स एंड लवर्स है, ठीक है, यू देखा। उसके बाद फिर आगे मोड़ के देखा तो देखता है एक रेम्बो है, ठीक है, रेम्बो जो वो अपने खोई हुई लड़की को खोज रही है। क्या है, रेम्बो जो है लड़की को मतलब खोज रहा है, समझो ये लड़का है, रेम्बो जो है तार रेम्बो वो खोई हुई लड़का को मतलब लड़की को खोज रहा है। तो वो खोजते खोजते आता है लॉस्ट, ठीक है, रेम्बो किसको खोज रहा है, तो लॉस्ट गर्ल को खोज रहा है, और खोज रहा है और खोजते खोजते चला जाता है वहां महिलाओं के प्यार में, यानी प्यार में जो महिलाएं हैं वहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, वोमेन इन लव में पहुंच जाता है। रेम्बो कहां पहुंच जाता है, तो रेम्बो पहुंच जाता है जो महिलाओं का प्यार है, जो प्यार में जो महिलाएं हैं वहां पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पहुंचता है तो एक लड़का नजर आता है, एक लड़का है जिसका नाम है एरोंस, किस क्या नाम है, एरोंस, याद रखिए एरोंस, और एरोंस के हाथ में एक रड है, क्या है, एक रड है, और वो रड इस तरीके से पकड़ा हुआ है, किस तरीके से, इस तरीके से पकड़ा हुआ है, अब इस तरीके से पकड़ा हुआ है तो एक साइड लेडी बर्ड और एक साइड है क्या है, लेडी बर्ड, एक साइड है कंगारू, तो देखेंगे लेडी बर्ड है और एक कंगारू है, तो एरोंस रॉड्स देखेंगे वो 1922 में हुआ, और उसके हाथ में जो लेडी बर्ड और कंगारू है वो 23 और 23 दोनों उसी के हाथ में, तो 23 यानी एक में लेडी बर्ड है और एक में क्या है, कंगारू है। कल्पना करना है आपको, कल्पना की दुनिया में जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से देखे, अब इन जो चले गए, ठीक है, अब चले गए कहाँ, चले गए उन सब कहाँ, ये सब देखने को मिल रहा है, तो सारा कुछ कहाँ मिल रहा है, इंग्लैंड में, तो माय इंग्लैंड या इंग्लैंड मतलब मेरा इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में, ठीक है, तो वही जगह से एक क्या है, बूस से झाड़ी है, इंग्लैंड में झाड़ी है, और उस झाड़ी से एक लड़का निकलता है, यानी द बॉय इन द बूस, उस झाड़ी में एक लड़का है, और उस लड़का का नाम क्या है, उस लड़का का नाम है, आपको दिखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना, तो उस लड़का जो नाम है, उस लड़का का नाम क्या है, सेंट मावर, सेंट मावर, और वहां भी एक लड़की है, उस लड़की का नाम है प्रिंसेस, समझेंगे राजकुमारी, ठीक है, तो एक सेंट मावर है, सेंट मावर है, उस सेंट मावर के हाथ में जो है, सेंट मावर वहां खड़ा है, समझिएगा कहाँ है, तो ये इंग्लैंड के बात है, इंग्लैंड में एक बूस झाड़ी है, उस झाड़ी में एक लड़का है, ठीक है, बॉय है, यानी बॉय इन द बूस, झाड़ी में क्या है, लड़का है, और वो लड़का का नाम क्या है, सेंट मावर है, और वो सेंट मावर, उस लड़का का जो सेंट मावर है, उस सेंट मावर जो उसका सेंट मावर के आगे पीछे मतलब दहने बाएं चारों तरफ उसको क्या नजर आता है, तो बता रहे हैं, देखिए उसको अगर आगे की ओर देखता है, आगे अगर देखता है, याद रखिएगा कब आगे है, कब पीछे है, कब लेफ्ट है, कब राइट है, ये समझे, आगे ये देखता है तो उसके आगे एक सर्पेंट है, सर्पेंट का मतलब एक सांप है, जो प्लम्ड सांप, इसको प्लम्ड सर्पेंट बोले, प्लम्ड सर्पेंट है, उसका एक सांप है, ठीक है, उसका एक सांप है, आगे तरफ सांप है, उसके देखेंगे अगर हम पीछे देखते हैं या पीछे या हम लेफ्ट देखते हैं, तो लेफ्ट में क्या है, सन है, लेफ्ट में क्या है, सन है, और उसके अगर हम लेफ्ट राइट देखते हैं तो देखते हैं ग्लेड क्या है, घोस्टस है, घोस्ट मतलब भूत है, यानी एक खुशीला टाइप का एक घोस्ट है, भूत है, और उसके बाद अगर हम पीछे की ओर देखते हैं तो पीछे देखता है वो हमने मतलब वो लड़का देखता है तो क्या है, रॉडन्स है, रॉडन्स, ठीक है, रॉडन्स क्या पढ़ेंगे, रॉडन्स, रॉडन्स है, ठीक है, चारों आपको याद हो जाएगा, लड़का के आगे जो है एक सांप है,
अगर हम राइट लेफ्ट देखते हैं तो एक बेटा है, और ग्लेड देखते हैं तो उसे अपना लाइन बाय लाइन चले जाओ, ठीक है। लेफ्ट तो उसके पीछे देखते हैं तो ग्लेड घोस्ट है, अगर राइट देखते हैं तो क्या है, रंडन से, ऐसे अनेक सीक्वेंस से कर लो, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, तो इतना आपको समझ में आ गया, यानी 17 तक आपको बता दिए। यहां से आगे चलेंगे, जब वहां पे जाते हैं तो ओमेन हो, वहां पे जाते हैं तो वहां से देखते क्या है, ये लड़का देखता है कि चारों तरफ मेरा सरपेंट है, सन है, घोस्ट है, घोस्टेस है, यानी घोस्ट, बहुत सारे घोस्ट हैं, भूते हैं, और भूत जो है बहुत है, फिर है राडन्स है, ठीक है, राडन्स है, तो चार चीज देखते हैं, तो देखते हैं, और ये लड़का देखता क्या है कि ओमेन जो है औरत है वो कहाँ जा रहा है, ओमेन, द ओमेन हु रोड अवे, ओमेन हु रोड अवे एंड अदर स्टोरी। तो इसको याद करेंगे कि महिलाएं जो है, महिलाएं क्या कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, और कहानियां है, अदर स्टोरी उधर छोड़ दीजिए, इतने ओमेन जो है चले जा रहे हैं। तो चलते चलते वहां पे उसको एक लेडी चटर्जी लवर मिलता है, जहाँ पे लेडी जो है बहुत ज्यादा चैटरिंग करते हैं, लेडी देखेंगे, लेडी लोग बहुत ज्यादा मतलब बकवास करते रहते हैं, वो बकवास कर रहे हैं लवर के बारे में, तो लेडी चटर्जी लवर के बारे, लेडी चटर्जी क्या कर रहे हैं, उन लोग लवर के बारे बात कर रहे हैं, तो ये महिलाएं जो देखते हैं कि वो लेडीज है, वो लेडी चटर्जी मतलब महिलाएं के बारे जो है लवर के बारे बात कर रहे हैं, उसके आगे चले जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ वर्जिन लोग खड़े हैं, वर्जिन जो कुमारी होते हैं उन लोग खड़ी है, और वो लोग खड़ी है, और उन लोग जो है वो सब भी शामिल कर लेते हैं ओमेन में, ओमेन हु लव्स, और उस ओमेन, यहाँ देखेंगे जिप्सी का मतलब होता है कोई यात्रा करना, तो इस यात्रा में यानी समझिए जो है वर्जिन लोग भी निकले हुए हैं, उन ग्रुप में शामिल हो, जो महिलाएं जो जा रही है उसी में शामिल होगी, तो वर्जिन भी उसी में शामिल होगी। अब ये सब जो है लेडी है, लेडी चटर्लीज है और वर्जिन है, इन तीनों मतलब ये दोनों किस में शामिल हो गए, ओमेन में, मतलब ओमेन हु लव्स, जो ओमेन जा रही है उसी के शामिल हो गए। अब ये तीनों जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, तो उन सब प्यार की खोज में जा रहे हैं, प्यार करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं प्यार, द हैशटैग में करेंगे, कहाँ करेंगे, किस जगह पे करेंगे प्यार, कहाँ मिलेगा प्यार, तो हैशटैग में मिलेगा, हैशटैग जो है या हैशटैग बोल सकते हैं, हैशटैग में मिलेगा, यानी हैशटैग क्या होता है, जो घास का, जो सूखे हुए घास होता है उस घास का ढेर होता है, जहाँ पे ढेर होगा वहाँ गद्दी मतलब सोने में या आपको बैठने में अच्छा लगता है, महसूस करोगे कम्फर्टेबल, तो वहाँ वही प्यार करेंगे, उसी के बीच में लव मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो वही घास का जो ढेर है उस ढेर में ही लव मिलेगा, उसी के बीच में। तीनों जो कहाँ जा रहे हैं, तो वही हाईटेक्स में जा रहे हैं, मतलब हाईटेक्स में चले जा रहे हैं, और वहाँ आपको प्यार मिलेगा, इन सारे प्यार के चक्कर में जा रहे हैं, ये लवर के बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्जिन कुमारी ये भी जा रही, तो इन सारे कहाँ चले आए, तो यहाँ पे आए, कहाँ है मतलब हाईटेक्स में आए, हाईटेक्स बोल सकते हैं, हाईटेक्स, ठीक है, हाईटेक्स में आए, और वहाँ प्यार मिलते हैं, वहाँ जो है आदमी लोग मरते हैं, प्यार में मर जाते हैं, देखेंगे द मैन हु डाइड, मैन हु डाइड मतलब आदमी जो है, मैन जो है मर रहे हैं, प्यार में मर रहे हैं, और वहाँ लवली लेडी यानी सुंदर सुंदर लेडी मिलते हैं, महिलाएं मिलते हैं वहाँ पे, सुंदर सुंदर महिलाएं मिलते हैं, ठीक है, लड़की मिलती है वहाँ, फिर वहाँ वो इसी में उसी जगह में आदमी मरते हैं तो प्यार में मरते हैं, सुंदर सी महिला वहाँ मिलती है, और वहाँ मॉडर्न लवर भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मॉडर्न लवर भी मिलते हैं, और फिर वहाँ लवर मिलते हैं, और वहाँ पे एक प्रीलूड रचता है कि ये सब जर्नी जो था किस लिए था, क्या था, नहीं था, उसके लिए एक प्रीलूड आता है, आप लोग प्रीलूड पढ़े होंगे, प्रीलूड क्या होता है कि कोई भी स्टोरी या कोई भी किताबें का जो स्टार्टिंग में प्रीलूड बताया दिया जाएगा कि इसके बारे में क्या है, इस कहानी के बारे में जो है 10 लाइन 15 लाइन में आपको दिया जाता है, वही प्रीलूड होता है, फर्स्ट में रहता है,
ठीक है, तो इन सारे आपको याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा। तो देखिए बहुत अच्छा है, कहानी को समझिए। व्हाइट पीकॉक ट्रेसपासर, व्हाइट पीकॉक ट्रेसपासर, व्हाइट पीकॉक जो ट्रेसपासर से गुजर रहे हैं, तो सन से लवर उसके साथ है, तो प्रुशियन जो ऑफिसर है पीछे की मोड़ के देखते हैं, तो व्हाइट पीकॉक ट्रेसपासर से गुजर रहे उसके साथ में सन से लवर से, फिर उसको आगे देखते हैं तो रेम्बो मिलता, रेम्बो जो है रेम्बो अपने कोई लड़की को खोज रहा है, जो खोजते खोजते चले जाते हैं जहाँ पे ओमेन जो है प्यार में रहते हैं, प्यार में ओमेन हो रहते हैं, वहां चले जाते हैं और वहां भी वो फंस जाता है या डूब जाता है, जो समझिए वहां चले जाते हैं। वहां देखते क्या है कि एक एरोंस है खड़ा है, एक लड़का है, उसका हाथ में क्या है, रड है, समझिए रड है, उसके हाथ में रड है, उस रड जो इस तरीके से इधर है, जो राइट साइड में आपको लेडी बर्ड है और एक साइड में जो है क्या है कंगारू है, उस कंगारू उन सारे कहाँ है, जो है ये लड़का कहाँ खड़ा है, तो वहां जो है इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड बोलता है माय इंग्लैंड है, ठीक है, उस इंग्लैंड में आपको वहां नजर आता है झाड़ी, और झाड़ी से एक लड़का है, मतलब झाड़ी में एक लड़का है, उस झाड़ी का लड़का है, उस लड़का का नाम क्या है, तो उसका नाम है सेंट मावर, उस लड़का का नाम है सेंट मावर, और वहाँ एक प्रिंसेस भी है, तो सेंट मावर है, और सेंट मावर जो खड़ा है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो पहला जो अगर हम आगे की ओर मोड़ के आगे देखते हैं तो प्लम सर्पेंट जीता है, सर्पेंट का मतलब सांप है, और आगे उसके राइट साइड देखते हैं तो सन है, उसके पीछे की ओर देखते हैं तो ग्रेट घोस्टेस है, या घोस्ट जो घोस्टेस है भूते हैं और भूत है, और रॉडेंस अगर हम देखते हैं लेफ्ट राइट की ओर देखते हैं तो रॉडेंस है, रॉडेंस रॉड समझे, रॉडेंस है, और फिर देखते हैं तो वहां इतना तक हम लोग देख लिए। उसके बाद देखते हैं क्या है, वहां एक महिला है, और वो महिला जो है वो भी महिला को देखते हैं, और महिला जो है ये लड़का जो खड़ा है और चारों तरफ देखते हैं, और ये लड़का देखता क्या है, एक महिला है, जो महिला वो चली जा रही है, कहाँ चली जा रही है, तो जा रही कहीं जा रही, कहाँ जा रहे, तो लेडीज चटर्जिस लवर्स, जहाँ लेडी चटर्लिस लवर जाते समय, लेडी चटर्लिस लवर जो लेडी है वो लवर के बात कर रहे हैं, लवर के चैटरिंग कर रहे हैं, बकवासबाजी कर रहे हैं, महिला ऐसे आप जानते हैं कि लेडीज बहुत बकवास करते रहते हैं, कि आतर पटर बोलते रहते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं खड़े, वहाँ देखते हैं वो वोमेन जो है, वो मतलब वोमेन क्या देखते हैं, एक वर्जिन को देखती है, जो कुंवारी है लड़की है उसको देखती है, और वो कुंवारी लड़की है, इन सारे तीनों एक साथ मिल जाते हैं, और मतलब ये लड़की मिल जाती है उस यात्रा में, और वो चली जा रही है, और वो सब कहाँ जा रहे हैं, अगर तीनों की बात करें तो तीनों चले जा रहे हैं, कहाँ पे वो चले जा रहे हैं, हिस्टेक में चले जा रहे हैं, जहाँ घास का मैदान का घास का जो ढेर है, सूखी घास का ढेर है, वहीं उसका प्यार मिलेगा, वही प्यार मिलेगा, वहीं लोग मरते हैं, वहीं लोग मरे हैं, और वहाँ लवली लेडी मिलते हैं और मॉडर्न लवर मिलते हैं वहाँ पे, और प्रिलूड भी वहाँ से रचता है। इस प्रकार से आप लोग का याद हो गया होगा फ्रेंड्स, इसको एक दो बार देखे उसके बाद आपको इजिली याद हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है इसका नोवेल देखेंगे, इस नोवेल तो हो गया, इसके बाद हम लोग इसका ड्रामा कुछ लिखे हैं डी.एच. लॉरेंस, उसको देखेंगे और पोएट्री देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।